लेकिन भाई इस गाड़ी की कैपेबिलिटी किसी ना किसी को तो चेक करनी थी, हमने कर दी। मूछों पे ताव देते देते मैंने कहा चलो आज वाह भाई वाह। अरे मेरा मूड हो चुका है चेंज, अब मैं जा रहा हूँ जिस पास फिर दोबारा गाड़ी मोड़ कर शिंकुला टॉप की तरफ। शिंकुला टॉप पड़ता है करीबन 41 किलोमीटर यहाँ से, और 1 घंटा 15 मिनट का टाइम डिफरेंस जो है यहाँ से लग रहा है। वहां थोड़ा बहुत घूम फिर कर आपको बहुत सारी बर्फबारी दिखाकर फिर मैं निकल जाऊंगा मनाली की तरफ, क्योंकि मुझे आज एटलीस्ट मनाली तो पहुंचना ही पहुंचना है। पत्थर टूट कर रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं, तो फिर भी जेसीबी ने इनको हटा दिया थोड़ा बहुत, लेकिन भाई ये इनका भी तो डर ही रहता है ना, एक अलग से नेक्स्ट लेवल डर इन्हीं का है भाई। ये आ गया बीआरओ का पोस्ट, यहाँ पे लिखा है शिंकुला टॉप सीधे जाना है और लेह लद्दाख जाना है इस तरफ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बीआरओ इस तरफ है, लेह इस तरफ, बारालाचला और सब इस तरफ, और हमें जाना है शिंकुला टॉप, तो हमें जाना पड़ेगा बिल्कुल सीधे। आप देख सकते हैं सामने जो दिखाई दे रहा है वो शिंकुला टॉप का रास्ता है, और इस तरफ वाला लेह वाला रास्ता, तो हमें तो शिंकुला टॉप जाना है। तो चलो भाई शिंकुला टॉप की तरफ निकल लेते हैं, अभी भी 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है भाई। शिंकुला टॉप पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर रह गया, गाड़ी चल रही है सिर्फ फर्स्ट गियर में, इतनी मतलब खड़ी चढ़ाई है पूछो मत। और मैं सही बताऊँ ना, बोलते वक्त भी सांस फूल रहा है, बीच में एक बार को तो ऐसा फील हो रहा था कि यार चक्कर से आ गए, तो मुझे फिर पानी पीना पड़ा बहुत सारा। हाँ पानी पीने के बाद थोड़ा सा मैंने बेटर फील करा, लेकिन आप यहाँ बर्फ देखो भाई साहब, बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, ये देखो हर तरफ बर्फ। और भाई साहब अपनी गाड़ी ऐसे चल रही है, मतलब उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन भाई साहब। कौन कह रहा है कि वैगनर के अंदर कोई कमी है? गाड़ी की कैपेबिलिटी पे तो शक नहीं है यार, वाकई इस गाड़ी ने मजा दे दिया। -20 पे कोल्ड स्टार्ट करके देख लिया, देखो कोल्ड स्टार्ट फर्स्ट सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी मैं -35 पे इसको गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो नजारे कैसे हैं, और बिल्कुल भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है यार, हल्की सी भी जो दिक्कत गाड़ी ने अभी तक करी हो। हाँ रिस्क है यार, कोई बात नहीं, 3 सिलेंडर इंजन है, रिस्क है मानता हूँ, लेकिन भाई इस गाड़ी की कैपेबिलिटी किसी ना किसी को तो चेक करनी थी, हमने कर दी दुनिया को दिखाने के लिए, सभी लोगों के लिए कि भाई ये गाड़ी कैपेबल है कि नहीं है। बड़े बड़े लोग लेके आ रहे हैं 4 स्टार, मतलब 4 सिलेंडर लेके आ रहे हैं, 4 व्हील ड्राइव्स लेके आ रहे हैं, लेके भी आनी चाहिए, आपको थोड़ी पावर मिल जाती है, जमीन पे पकड़ बन जाती है भाई। हम भी इसको लेके आ गए, मूछों पे ताव देते देते मैंने कहा चलो आज इसी को देख लेते हैं भैया ये गाड़ी कितनी कैपेबल है, बेड इसके अंदर बन जाता है। खाली बेड बनना ही तो नहीं था, अब जब आप ट्रेवल करते हो तो आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अभी इस वक्त बहुत ऊंचाई पे हूँ, और यहाँ शिंकुला टॉप जो है ऑलमोस्ट आ चुका है।
चलो आपको वो वहीं ले जाकर हम दिखाते हैं भैया शंकुला टॉप कहाँ पर है। ऑलमोस्ट आ गए, फिलहाल सूर्य देवता भी थोड़े से प्रकट हो गए हैं यहाँ पे। और ये लो जी हम आ गए हैं शंकुला टॉप पर वैगन आर लेके। जहर कर दिया नहीं काम, उतारो गाड़ी। देखो जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, जहां थार आ जाती है वो भाई साहब सीरियसली शंकुला टॉप पहुंच गए भाई 16,580। और आए किसके साथ में? अपनी वैगनार के साथ में। कोई ये कहता रहे पर भाई उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन। और अपनी वैगन आर के लिए देखो थार आ गया और हमने रिस्क लिया, हमने आपको कैपेबिलिटी दिखाई अपनी वैगन आर की। एक चीज है ज्यादा बोलते वक्त भी दिक्कत हो रही है और वाह भाई वाह, वाह भाई वाह वैगन आर, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया यार तुमने।